हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान हिंदी ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर प्रोस 5 फ्रॉम ग्रेड 11 हिंदी रीडर बुक ऑफ तमिलनाडु स्टेट बोर्ड। सो लास्ट वीडियो वी डिस्कस द प्रोस 5 घुमक्कड़ जिज्ञासा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बुक बैक क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन। So Roman letter 2, first one is your Roman letter 1 is your tough meaning. So it is in your book. After this lesson, in your book some tough words are given with the meanings. And next Roman letter 2, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे मीन्स दिस आर लाइक इडियम्स इन इंग्लिश, वी आर यूजिंग नो इडियम्स, सो दिस आर द इडियम्स इन हिंदी। मुहावरों के प्रयोग आपको सेंटेंस में करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ए सेंटेंस विद दिस इडियम्स। सो फर्स्ट वन इज योर सदा विचरण करना। सदा विचरण करना मतलब जो हुआ ऑलवेज ट्रैवलिंग, वाज ऑलवेज वांडरिंग, और वाज ऑलवेज कीप ऑन गोइंग हियर एंड देयर, हु नेवर स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसे यूज करके सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या होगा, गौतम बुद्ध को जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक वे सदा विचरण करते रहे। देन कोल्हू का बैल होना। मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ रहा है। मीन्स नॉन स्टॉप द हिमानिक्सर की पॉन वॉकिंग। दिशा बदलना। दिशा बदलना मीन्स दिशा मीन्स डायरेक्शन, बदलना मीन्स चेंज, सो चेंज द डायरेक्शन। ज्ञान की प्राप्ति होते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। अकलन आना। सैमू को कितना समझाया गया पर उससे अकल न आई, अकल न आना। यहाँ पर लिखा है अकलन आना, एक्चुअली दिस वन इज अकल न आना, दैट मीन्स यू कैन नॉट अंडरस्टूड समथिंग प्रॉपरली। श्यामू को कितना भी समझा गया पर उसे अकल न आई। धूल में मिलाना। सेना ने विस्फोट करके आतंकी कैंपों को धूल में मिला दिया, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग। नाक रगड़ना। लोगों की मार से बचने के लिए जेब कतरा बड़ी देर तक नाक रगड़ता रहा। सो हु आर डूइंग द पिक पॉकेटिंग, सो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक हु आर कम रनिंग बिहाइंड हिम टू बीट हिम, ही इज बेगिंग और ही इज रिक्वेस्टिंग समवन टू हेल्प। नाक रगड़ना, ही इज बेगिंग। रक्त के आंसू बहाना। जवान बेटे के शहीद होने की बात सुनकर माँ कई दिनों तक रक्त के आंसू बहाती रही। रक्त के आंसू मीन्स हियर इफ समवन इज वेरी सैड, एक्सट्रीमली सैड एंड ही इज कीप ऑन क्राइंग। अनन्याश्रित होना। वस्तुओं का उत्पादन करने वाले और उनका प्रयोग उपभोग करने वाले अनन्याश्रित होते हैं। अनन्याश्रित मीन्स डिपेंडिंग ऑन इच अदर। खिल उठना। माँ को देखते ही बच्चा खिल उठा, इफ आर गेटिंग वेरी हैप्पी। आंखों में धूल झोंकना। ठग आंखों में धूल झोंक कर महिला के गहने लेकर 9-2-11 हो गया। अफसर से हाथ धोना। समय पर नाव पहुंचने के कारण उसने इतने अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के अवसर से हाथ धो लिया, दैट मीन्स यू आर मिसिंग द चांस और अपॉर्चुनिटी।
एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ के लेखक का नाम क्या है? हु इज द राइटर ऑफ दिस घुमक्कड़ जिज्ञासा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ में क्या बताया है? राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ में बताया है कि घुमक्कड़ एक धर्म है और इसका पालन हर तरुण तरुणी को करना चाहिए। जिज्ञासा किस प्रकार की चीज के लिए होनी चाहिए? जिज्ञासा हर उस चीज के लिए होती है जो श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण हो और वो लोगों को लोगों के लिए कल्याणकारी हो। लेखक के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? घुमक्कड़ी है। आधुनिक विज्ञान में किसका स्थान ऊंचा है? आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान ऊंचा है। पुस्तकीय ज्ञान और घुमक्कड़ी ज्ञान में अंतर क्या है? पुस्तकीय ज्ञान से हम यात्रा कथाओं के बारे में जान लेते हैं, परंतु सुंदर वस्तुओं का सौंदर्य, रंग, उसकी गंध के बारे में हम घुमक्कड़ी से ही जान सकते हैं। दैट मीन्स वी आर टेलिंग ना, थियोरिटिकली वी आर लर्निंग समथिंग, बट इफ यू आर गोइंग टू डू दैट सेम थिंग प्रैक्टिकली, देन यू विल गेट मोर नॉलेज, यू कैन फील इट प्रॉपरली। सेम द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ बुक एंड गेटिंग द नॉलेज एंड गोइंग टू दैट प्लेस एंड गेटिंग ए नॉलेज। किन घुमक्कड़ों ने पश्चिम देशों के आगे बढ़ाने का रास्ता खोला? कोलंबस और वास्को डा गामा। आदिम घुमक्कड़ कौन कौन थे? आदिम घुमक्कड़ वे आदि मानव थे जो जंगल में रहते थे। बिकॉज व्हेन यू वर ऑन अर्ली स्टेजेस एट दैट टाइम सिविलाइजेशन नॉट स्टार्टेड प्रॉपरली, The people are human beings, they used to live in the jungle. They don't know how to cook the food or what to wear. They don't know anything. So they are the main or initial persons who are habituated with this wandering. आदिकाल में भारतीय घुमक्कड़ कहाँ कहाँ गए? आदिकाल में भारतीय घुमक्कड़ दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, वर्मा, मालया, यवदीप, शाम, काम्बोज, चंपा, वर्नियो और सेलिचपीच के अलावा फिलिपाइन तक हो गए थे। वो आए थे, दैट मीन्स दे ट्रैवल, दे वेंट अप टू दिस प्लेसेस। घुमक्कड़ धर्म को भूलने का नतीजा क्या हुआ? जब हम घुमक्कड़ धर्म भूल जाते हैं, हमारी सभ्यता पीछे चली जाती है, हम पीछे चले जाते हैं, और बहुत सारे लुटेरे, आक्रमणकारी, बहुत सारे आउटसाइडर आकर हमें टॉर्चर करते हैं, हमें हमारे ऊपर रूल करते हैं, बहुत शासक बनकर हम पर अत्याचार करते हैं। संसार में चारों फलों की भागी कौन हुए? जिस देश या जाति ने घुमक्कड़ धर्म अपनाया वही संसार के चारों फलों के भागी हुए। भारत के घुमक्कड़ धर्माचार्य कौन कौन थे? भारत के घुमक्कड़ धर्माचार्य गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और गुरु नानक देव आदि थे। क्या स्त्रियों को भी घुमक्कड़ करना चाहिए, कर सकती हैं? हाँ, स्त्रियां भी पुरुषों के समान घुमक्कड़ी कर सकते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु पावा में हुई थी। प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ कौन थे? दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भगवान महावीर प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। शंकर को शंकर किस धर्म ने बनाया? दिस वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शंकर को शंकर अर्थात शंकराचार्य घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा कौन ले सकता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा वे तरुण तरुणियां ले सकती हैं जिनके मन में साहस फूट फूट कर भरा हो। दैट मीन्स दस यूथ हु आर वेरी ब्रेव, दे हैव टू टेक दिस।
opportunity. They have to create curiosity among themselves to wander different places. Then come to Vistrut Uttar Likhiye, that means these are the questions, question answers for 4 marks. लेखक ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसे और क्यों माना? लेखक ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी को ही माना है, क्योंकि जो जीवन भर घूमते रहते हैं उन्हें घुमक्कड़ बोला जाता है, और इसी घुमक्कड़ी के कारण आज अब हमारी संसार और दुनिया बनी है। सारे लोग एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, संसार के इस कोने के लोग उस कोने के बारे में जान सकते हैं। यदि आदिम मानव एक ही स्थान पर रहता और किसी तालाब के किनारे यानी गर्म स्थान पर बने रहते, तो उन्हें पता नहीं चलता कि दूसरे स्थानों पर भी कहीं पर बहुत सर्दी है, कहीं पर बर्फ गिरती है, तो ये सब नहीं जान पाते, उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। घुमक्कड़ धर्म से विमुख होने के दुष्परिणाम क्या है? जहाँ पर घुमक्कड़ धर्म से जिस युग में लोगों ने इस धर्म से विमुखता दिखाई है, वो युग का विनाश हुआ है। वो कुपमंडूक बन के रह गए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। 200 वर्ष पूर्व, दैट मीन्स 200 इयर्स बैक, ऑस्ट्रेलिया वॉज फुल्ली एम्प्टी। If that time Indians were able to find Australia, they might consider it as their own property, and they might be ruled there. But at that time, Indians are not interested in these things. That's why they are lagging behind now also. Due to this fault also, New Zealand and Australia, they didn't become the part of India. If Indians are very habituated of this habit of wandering, they might find New Zealand, Australia, and they might consider it as their own property or own part of the country. धर्मचारण चारियों ने घुमक्कड़ धर्म को क्यों अपनाया? भारत के महान घुमक्कड़ का विवरण दीजिए। सो भारत के जो सारे महान घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ थे, उनके बारे में आपको लिखना है। और धर्मचारियों ने घुमक्कड़ धर्म को इसलिए अपनाया ताकि अपने अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें दुनिया को अवगत करा सके और दुनिया में अच्छाइयां फैला सके। सो धर्म मतलब रिलीजन बेस्ड पीपल, दे आर हैविंग दैट हैबिट टू वांडर हियर एंड देयर, नॉट फॉर देमसेल्फ, दे वांट टू डू वेल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, दे वांट टू स्प्रेड द होली मैसेजेस ऑफ गॉड ऑफ देयर रिलीजन टू पीपल, सो दैट ऑल द पीपल इन अराउंड द वर्ल्ड दे विल गेट बेनिफिटेड। दैट्स व्हाई गौतम बुद्ध he started to roam here and there inside India, and he spread Bodh Dharma, and so many devotees also there. उनके शिष्यों ने मग दुनिया, मिस्र से लेकर जापान तक और मंगोलिया वाली आदि द्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार किया। उसी तरह से भगवान महावीर भी जैन धर्म का प्रचार करने लगे, गुरुदेव नानक भी भ्रमण करते थे। सो ये सारे जो घुमक्कड़ थे, शंकराचार्य हुए या फिर गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, इन्होंने सारे संसार घूमकर अपनी धर्म के प्रचार और प्रसार किया, और ना ही इतना किया, जन समाज का कल्याण भी किया। घुमक्कड़ी कौन कर सकता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सो घुमक्कड़ी वही व्यक्ति कर सकता है जो निश्चित हो, हु इज क्वाइट श्योर एंड हु इज वेरी ब्रेव आल्सो।
घुमक्कड़ के लिए चिंताहीन होना बहुत आवश्यक है और चिंताहीन के लिए घुमक्कड़ी आवश्यक है। इसके अलावा घुमक्कड़ बनने के लिए व्यक्ति में हर प्रकार का साहस होना आवश्यक है। सो फर्स्ट थिंग ही शुड बी नॉट टेंस्ड अबाउट एनीथिंग, ही शुड बी टेंशन फ्री। He might be quite sincere, and he or she must having that capacity to face any type of problem, and he or she should have that braveness inside themselves. यदि घुमक्कड़ी के राह में भी कोई किसी प्रकार बाधा आती है तो व्यक्ति को उनको ठुकराते हुए उन पर विजय पाना चाहिए तथा उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं सोचना चाहिए। उसे सारी चिंता छोड़कर आगे बढ़नी चाहिए। सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स। देन संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जाड़े में यदि हम इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस था। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस टेकन फ्रॉम दिस घुमक्कड़ जिज्ञासा। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इफ यदि मानव जंगल में रहता था तो वो भोजन पाने के लिए यहाँ वहाँ घुमा करता था। उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। वो कुछ दिन एक जगह पर नहीं रुकने रुकने के बाद दूसरी जगह चला जाता। यदि वह जाड़े की ऋतु में यहाँ था तो गर्मी में कोसों दूर था। अर्थात आदि मानव भी बहुत घुमक करते। सो व्हेनेवर सिविलाइजेशन वॉज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड the people the human beings doesn't aware of those things, how to cook food, how to make shelter, how to make the house with bricks and cement and sand, like nowadays how we are living our how we are leading our lifestyle. At initial days when the human beings are created, they don't aware of all these things. So they depend, they used to live inside the jungle, they depend on the food. Might be they hunting some animals and they eat that, or they are depending on the fruits from the jungle. Whatever they get, they have to collect it and they eat it. So whenever they were doing that, they were always searching for a fruit, so food. So to search those food item might be in the summer season if they will stay some particular place, in a winter they might be in other place, and rainy season they might be in other place. So initial days also जो आदि मानव थे वो भी बहुत घुमक्कड़ थे। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वो आकाश के पक्षियों के भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि यह इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोसों दूर था। सो आदि मानव जो घुमंतु प्राणी था उसका लक्ष्य होता था कि किसी तरह पेट का भूख मिटाना। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले पंक्तियों में उसे जहाँ पे जो भी मिलता था वो वहीं पे ठहर के खाता था। उसे खेती करना नहीं आता था। हाउ टू कल्टिवेट रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर ऑल्सो ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज टू जीरो। I can say that knowledge was zero at that time regarding agriculture cultivation. So he also don't know whether he has to stay with the family or something. So बहुत कुछ झंझटों से responsibilities से वो free था। He know how to fill his or her own stomach. He won't aware or he won't bother about others. He is just like a free bird and he always want to move here and there. उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश का विकास पर अद्वितीय खोज नहीं की बल्कि सारे विज्ञानों को उससे सहायता मिली। सो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के बारे में कहा गया है जिन्होंने जीव विकास की दिशा को अथक परिश्रम करते हुए खोजा। सो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने मानव समाज की खोज की थी। सो ये जो मानव समाज की खोज की थी, मानव की विकास की खोज की थी, ये आगे चलकर वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी
बहुत बड़ी फायदा साबित हुई, जिससे लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत कुछ इन्वेंट कर पाए. सो दिस आर ऑल योर क्वेश्चन आंसर्स, बुक बैक क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर लेसन घुमक्कड़ जिज्ञासा. आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.